प्रदेश में पिछले दिनों कोरोना के नए स्ट्रेन के रोगी मिलने के बाद सतर्कता बढ़ा दी गई है। विमानपत्तन निदेशक जेएस बलहारा और जयपुर प्रथम सीएमएचओ डॉक्टर नरोत्तम शर्मा ने बताया कि विदेश से आने वाले यात्रियों की जांच की जा रही है और उन्हें निर्धारित प्रोटोकॉल के तहत क्वारंटीन किया जा रहा है। वंदे मातरम के तहत आ रही हैं, उसमें सब लोगों को मैंडेटरीली 7 डे का इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन किया जाता है और 7 डे होम क्वारंटीन किया जाता है, और जो लोग नेगेटिव रिपोर्ट लेके आते हैं उनको होम क्वारंटीन किया जाता है। जहाँ तक इंग्लैंड के सेकंड स्ट्रेन का वो है सवाल है, तो कोई भी फ्लाइट यहाँ पर डायरेक्ट नहीं आती यूके से, हमारे यहाँ कोई डायरेक्ट फ्लाइट नहीं है। फिर भी इमिग्रेशन डिपार्टमेंट द्वारा क्रॉस चेक किया जाता है कि कोई इंग्लैंड से तो नहीं आया है, तो यहाँ की हालत अभी तक बिल्कुल सेफ है। भारत सरकार और राजस्थान सरकार द्वारा इसमें काफ़ी गंभीरता से इस मैटर को लिया गया, और हमारे द्वारा यहाँ पर जब भी ब्रिटेन के नागरिक आ रहे हैं या जो आए हैं उनके लिए हमने एयरपोर्ट पर सभी के हमने टेस्ट की वहाँ पर सुविधा उपलब्ध कराई है, सभी के टेस्ट कराए जा रहे हैं। जब तक टेस्ट रिपोर्ट नहीं आ रही है तब तक उनको अलग रखा जा रहा है। चूँकि नवम्बर से हमको जो लिस्ट मिली है, नवम्बर से जो ब्रिटेन से जयपुर में नागरिक आए सभी की लिस्ट हमको प्राप्त हो गई थी, और हमारी टीम द्वारा हमने एक एक घर जाके एक एक जगह जाके उन लोगों के सबके टेस्ट किए हैं। खुशी की बात यह है कि जयपुर में कोई स्ट्रेन पॉजिटिव नहीं पाया गया, सभी लोग नेगेटिव आए हैं। कोई स्ट्रेन ब्रिटेन का जयपुर में कोई या जयपुर शहर जिले में कोई पाया नहीं गया है, बहुत अच्छी बात है। इसके विपरीत भी जो यदि स्ट्रेन चूँकि वायरस का एक जनरल वो कंडीशन होती है कि बार बार अपना म्यूटेशन कारण अपनी प्रकृति बदलता रहता है, तो इसका कोई फर्क नहीं है। हर जगह हर वायरल डिजीज में होता है,